तो गाइस देख सकते हो आप लोग की गुफा कैसा है, मतलब बहुत ही पतला सा है और बहुत ही छोटा है, आगे तो जाके और भी संकीर्ण हो जाता है। तो पहले गुफा के अंदर हम लोग चलते हैं और गुफा के बीच बीच में लाइट कहीं कहीं पे लगा हुआ है थोड़ा सा, कि पता चले कि गुफा किस साइड का जा रहा है। तो और अंदर आना पड़ेगा हम लोग, देख लो और गुफा कितना पतला हो गया है जाके। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। और आज के ब्लॉग में हम आ चुके हैं टपकेश्वर महादेव का मंदिर। गाइज देख लो टपकेश्वर का जो रास्ता है, सच में मतलब कितना एडवेंचरस है। मतलब बाइक से ही हम लोग ट्रैवल करना स्टार्ट किए और रास्ता देखो, मतलब पूरा एडवेंचरस है, एकदम ऊपर नीचे पहाड़ी एकदम आ रहा है जा रहा है। और लोकेशन गजब का है, मतलब लोकेशन में पहुँचे नहीं है लेकिन थोड़ा सा फील आना स्टार्ट रहता है कि लोकेशन सच में बहुत ही प्यारा होगा। और वैसे तो हम पहले भी यहाँ जा चुके हैं तो प्यारा तो होगा ही, बट गलती नहीं करना है। और सबसे पहले यहाँ का लोकेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये देहरादून जो शहर है उससे 6 किलोमीटर दूर है, और बात करें रेलवे स्टेशन से तो अप्रॉक्स 6.8 किलोमीटर के आसपास इसका दूरी है। जो ISBT देहरादून है वहाँ से अगर आते हो तो वहाँ से 11 किलोमीटर ये आपको लोकेशन पड़ेगा। और ये एक महादेव का मंदिर है, तो सबसे पहले हम लोग पूजा के लिए ये साग उस ले लिए और चलते हैं अंदर और पूजा ये सब करेंगे। हर हर महादेव। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साधु लोग प्रसाद ग्रहण करें, नहीं मतलब कि कोई लोग जिनको श्रद्धा होता है तो आके यहाँ पे वो सब करवाते हैं, मतलब लंगर ये सब लगवाते हैं, तो उसी का सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है। आप लोग देख सकते हो रुद्राक्ष मिलता है, रुद्राक्ष मिलता है यहाँ पे, देखो रुद्राक्ष रखा हुआ है और एक कच्चा रुद्राक्ष भी रखा हुआ है जो कि उसको पहले उसका एक प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद वो रुद्राक्ष के लिए रेडी होता है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ का लोकेशन देख सकते हो, सामने आपको बजरंग बली दिखेंगे और यहाँ पे आपको शंकर भगवान मिलेंगे जो कि कोई एक परिवार के द्वारा स्थापित किया गया है, कोई भल्ला परिवार है। उसके बीच में नदी एक बह रहा है छोटा सा, तो हम लोग नीचे भी जाएंगे और सामने आपको माता वैष्णो देवी का गुफा योग मंदिर भी मिल जाएगा। और ये जो मंदिर है इसका पहले का नाम का बात करें तो पहले इसका नाम तपकेश्वर था, तपकेश्वर, और अब टपकेश्वर हो गया, या पहले इसको दूधेश्वर भी कहा जाता था, तो अब इसका नाम चेंज होके तपकेश्वर हो गया। इसके पीछे भी रीज़न है, मैं रीज़न बतलाऊंगा। जैसे क्या है, ये मंदिर में यहाँ पे जो शिवलिंग है यहाँ पे किसी ने इसकी स्थापना नहीं की है, ये खुद ब खुद प्रकट हुआ है। कहा जाता है कि ऋषि द्रोणाचार्य जो थे वो हिमालय की तरफ आपका उसके लिए जा रहे थे तपस्या करने के लिए, तो ऋषिकेश में उनको एक महर्षि मिले, वो बोले कि आप यहीं पे मतलब शिव की आराधना करो, तो वो शिव की आराधना करने लगे, तो यहाँ पे शंकर जी का जो आपका शिवलिंग है वो खुद ब खुद प्रकट हुआ है। और कहा जाता है कि जब दोनों लोग आकर के तपस्या कर रहे थे तो हमारे ऋषि द्रोण आपका तपस्या कर रहे थे और उनकी वाइफ जो थी वो किसी मतलब आभूषण के लिए, या कहा जाता है कि मतलब किसी चीज़ के लिए तपस्या कर रही थी, तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसको अश्वत्थामा कहते हैं। अश्वत्थामा एक आपका हमारा क्या होता है कि महाभारत का एक ऐसा योद्धा है जो युद्ध के बाद भी जीवित रहा है। तो ये उसकी तपस्या करने के बाद क्या हुआ कि उसे बचपन से ही दूध की प्राप्ति नहीं थी, वो दूध नहीं पिया था कभी, तो उसने शंकर जी की आराधना की थी तब उसे दूध की प्राप्ति हुई थी, तो इसीलिए इसका नाम पहले दूधेश्वर था या तपेश्वर था। लेकिन क्या हुआ कि वो प्रसाद के रूप में जब थी अश्वत्थामा ने जब आराधना की तो उसे दूध की प्राप्ति हुई, तो धीरे धीरे प्रसाद के रूप में लोग उस दूध को लेने लगे। तो जब दूध को ले रहे थे तो फिर धीरे धीरे कलयुग आते आते लोगों ने क्या किया कि उस दूध का अनादर करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद फिर दूध के जगह गंगा जल उसमें बहने लगा, मतलब जल चलने लगा, उसके बाद धीरे धीरे बूंद बूंद करके अब सिर्फ पानी चलता है। तो इसीलिए दूधेश्वर पहले नाम था, फिर तपकेश्वर हुआ, अब टपकेश्वर हो गया जिसमें सिर्फ इसमें बूंद बूंद करके पानी आता है, इसलिए इसका नाम टपकेश्वर हो गया। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या महिमा है। वैसे इसकी महिमा बहुत है क्योंकि शिवलिंग तो है, खुद ब खुद प्रकट हुई है, कहीं किसी ने स्थापना नहीं की है इसकी। तो चलिए अंदर हम लोग देखते हैं, और काफ़ी अच्छा लोकेशन है और गुफा टाइप का बना हुआ है, तो चलिए देखते हैं। Thank you.
ये पानी में चूहा ये यही इसीलिए टपकेश्वर कहा जाता है। देखो यहाँ पे जो पानी चूहा है इसीलिए इसका नाम टपकेश्वर है। देख सकते हैं यहाँ गणपति बप्पा हैं, इन पे लोग मतलब कि कॉइन चिपकाते हैं और कहा जाता है जिनका कॉइन चिपक जाता है वो बहुत मतलब किस्मत वाले होते हैं, लकी होते हैं। तो भाई चिपका रहा है और इनका महिमा है थोड़ा सा। देखो भाई का चिपक गया कॉइन। जय गणपति बप्पा। खाली यहीं पे चिपकाते हैं। जय गणपति बप्पा। चिपक गया गाइस देखो। और इसके और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि लोग ऐसा मानते हैं बट इनमें वो लगा हुआ है घी और वो सिंदूर है ना, इसी की वजह से थोड़ा सा वो चिपचिपा सा होता है, इसकी वजह से चिपकता है, लेकिन लोग का मानना है तो आप समझ सकते हो। बड़ी चीज़ है मान्यता, बहुत बड़ी चीज़ है। आपका युद्ध रोक सकता है और युद्ध करवा भी सकता है। और ये पूरा गुफा ही है देखो आप लोग। और यहाँ पे एक आश्रम है जहाँ पे बाबा जी रहते हैं, तो बाबा जी से ये वही अश्वत्थामा है जिसने दूध के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी, जिनको दूध बचपन से ही दूध की प्राप्ति नहीं थी क्योंकि ये वरदान में मिले थे भगवान शिव के, और बाकी बच्चों को ये दूध पीते देखते थे तो ये जिद कर बैठे कि हमें भी दूध चाहिए। तो ऋषि ध्रुव ने कहा कि भगवान शिव की तपस्या करो तब तुम्हें दूध की प्राप्ति होगी। तब वो जो आप मन वो जो आप शिवलिंग देखे हैं तो उस पर क्या होता है कि अपने आप पहले दूध आता था, लेकिन लोगों ने उस प्रसाद की अनादर करना स्टार्ट कर दिया तो वो फिर गंगा जल में बदल गया और अब सिर्फ पानी बूंद बूंद करके बदलता है। इसीलिए टपकेश्वर से वो नाम बदल कर टपकेश्वर कर दिया गया, दूधेश्वर पहले था। और अब हम लोग महादेव का पूजा करके भगवान शंकर का पूजा करके बाहर आ गए हैं और अब जाना है इधर माता वैष्णो देवी हैं, फिर बजरंगबली उनका भी पूजा करने के लिए जाना है। तो सबसे पहले नीचे जाना होगा, नीचे से वो पुल से पतला सा जो लोहा का पुल है पतला सा उससे क्रॉस करना पड़े। तो गाइस देख लो ऊपर से पतला सा पुल है और पुल क्या पुलिया कह सकते हैं इसको, और दोनों साइड वही नदी है जो कि पिछले व्लॉग में आप लोग देखे थे, और नदी का नाम क्या था, तापसी नदी है। और अभी हम लोग पुल को क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्म है इसका लोहा, थोड़ा सा तो अब मैट बिछा है इसकी वजह से ठंडा हो गया। भवानी शंकर गुफा का दर्शन है तो हम लोग इसके अंदर सबसे पहले जाते हैं और दर्शन करते हैं। पे भगवान शंकर की प्रतिमा है, बहुत ही बड़े बजरंगबली यहाँ पे हैं। और इसके बाद हम लोग जाते हैं माता वैष्णो देवी का गुफा है यहाँ पे, और तो उसके अंदर हम लोग जाते हैं और वो गुफा में हम पहले भी गए हैं तो पहले चलते हैं गुफा के अंदर, आपको दिखाते हैं कि गुफा कैसा है। गुफा थोड़ा सा माता वैष्णो देवी यहाँ भी एक गुफा है, निपले माता वैष्णो देवी वाले गुफा में चलते हैं। यहाँ से एंट्री है मतलब यहाँ से एग्जिट है तो एंट्री के साइड हम लोग पहले चलते हैं, एंट्री करते हैं। तो गाइस देख सकते हो आप लोग कि गुफा कैसा है, मतलब बहुत ही पतला सा है और बहुत ही छोटा है, आगे तो जाके और भी संकीर्ण हो जाता है। तो पहले गुफा के अंदर हम लोग चलते हैं और गुफा के बीच बीच में लाइट कहीं कहीं पर लगा हुआ है थोड़ा सा कि पता चले कि गुफा किस साइड का जा रहा है, तो और अंदर आना पड़ेगा हम लोग। देख लो और गुफा कितना पतला हो गया है जाके।
और अब हम लोग बाहर आ गए और यहाँ के जो बाबा जी थे वो भी कोई ब्लॉग देख रहे थे और यहीं का ब्लॉग देख रहे थे, टपकेश्वर मंदिर का ही ब्लॉग देख रहे थे बाबा जी। फिर हम लोग को एक जगह मिला जहाँ की कंस्ट्रक्शन का काम चला, थोड़ा सा देख रहे हो पहाड़ काट के बनाया गया। इसका इस्तेमाल आप कह सकते हो कि तपस्या करने के लिए किया जा सकता है, बट आज के कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और विद्वान लोग इसका इस्तेमाल किस चीज़ में करते हैं आप देख सकते हो, टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। सिगरेट भी सरासर गलत है, ये बिल्कुल ही मत नहीं करना चाहिए। पहले चीज़ तो आप लोगों का जिम्मेदारी है जगह को साफ रखने का, ऊपर से अगर आप ही लोग गंदा करते हो फिर कौन साफ करेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे भगवान का ही जगह है, उसके बाद भी यहाँ पे ऐसा ऐसा काम करते हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इसको स्वच्छ रखो। हाँ, हर जगह को स्वच्छ रखो, ऐसा तो नहीं है कि आप भगवान वाली जगह को स्वच्छ रखो, बट हर जगह को आप स्वच्छ रखो, बट यहाँ पे कम से कम थोड़ा सा तो डरो भगवान से। देख सकते हैं आप सामने श्री महाभद्रकाली सैन्य सिद्ध शक्तिपीठ, यहाँ पे माता का मंदिर है। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये दिखाओ, महाभद्रकाली विश्लेषण, यहाँ पे सारा विश्लेषण दिया गया है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा। और माता का मंदिर का प्रवेश द्वार, तो सबसे पहले आप लोगों को माता का दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे पहले बजरंग बली है, गणपति बप्पा है, राधे कृष्णा है, तो आप लोग यहाँ पे दर्शन करो। जय माँ। जय बाबा जी, इधर से निकल चलो। जय बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। हाँ हाँ, बंद होगा ना एक घंटा के लिए। अच्छा, आप भोजन तो साथ लेना, हम लोग भी एनर्जी। हमारे गणपति बप्पा मतलब कटोरा भर के मोदक लेके बैठे हैं हम लोगों पर साथ देने के लिए। गणपति बप्पा देख लो आप लोग। गाइस हम यहाँ पे अभी हम यहाँ पे मछली पकड़ने का ट्राई कर रहे थे। इसमें कौन सा गरई मछली है ना? गरई 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 है, लेकिन पकड़ा ही नहीं रहा है, तो मतलब बहुत मुश्किल है। बहुत सारी इसमें मछली छोड़ो, इतना बड़ा बड़ा मछली है, बस हम ऐसे ही बस थोड़ा सा फील करना चाहते थे, हाथ में इसलिए पकड़ना चाहते, लेकिन पकड़ा नहीं पाया। और अभी का जो भी था सब कुछ, जो भी आज चीज था आप लोगों को दिखा दिए। और यहाँ का जो शिवलिंग है उसका बहुत ही ज़्यादा महिमा है, तो आप लोग कभी भी अगर आते हो यहाँ तो जो इस लोकेशन पे आना, टपकेश्वर महादेव का मंदिर, और यहाँ पे एक बार जरूर आना, विजिट करना। आपको मतलब कहते हैं ना, सारा मनोकामना आपका पूरा होगा जो भी भगवान भोलेनाथ से आप मांगोगे। और माता वैष्णो देवी का ही मंदिर यहाँ पे, तो आप आके आराम से पूजा कर सकते हो। अब बात करते हैं काम का, मतलब अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना और घंटे वाले बटन को दबा देना, जैसे महादेव का मंदिर में हम घंटा दबा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।